दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजूद में कैसे आई, इसकी कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों TTP वजूद में कैसे आई, दोस्तों ये बात 2001 की है जब अमेरिका ने अफगान तालिबान पर हमला कर दिया और तालिबान की हुकूमत जो है पूरी तहस नहस ख़त्म ही कर दी। पूरी अफगान हुकूमत जो है ख़त्म हो गई थी। तालिबान जो शरिया कानून और शरी कानून जो नाफिज किए थे सब चीज़ ख़त्म हो गई थी और अब अफगानिस्तान पर हुकूमत थी अमेरिका की और अमेरिका के बैठाए हुए लोगों की। तो बहुत से लोग जो है अफगान पाकिस्तान भाग के आ गए और तालिबान के जो रहनुमा थे, जो लीडर्स थे, तालिबान पाकिस्तान आ गए। बहुत से लोग जो है ईरान चले गए, जहाँ पर ईरान के बहुत से लोग के बहुत से लीडर्स के ताल्लुकात थे और जिसको जहाँ मौका मिला वहाँ वो चले गए। दोस्तों हुआ ये कि ईरान ने तो कोई भी तालिबान रहनुमाओं को अमेरिका के हवाले नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है तालिबान रहनुमाओं को अमेरिका के हवाले करना चालू कर दिया अमेरिका के दबाव में। और उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा इत्यादी था, सपोर्टर था। तो और तालिबान को मारने के लिए, तालिबान को ख़त्म करने के लिए बहुत से फाइटर प्लेन जो है पाकिस्तान से उड़ के जा रहे थे। तो पाकिस्तान के कुछ कबायली लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक मुसलमान कंट्री मुसलमान ही कंट्री को मारे, मुसलमान लोगों को ही मारे, वो भी गैर अमेरिका का जो कि वो यहूदी है ईसाई है उसका साथ दे। इस चीज़ को जो है पाकिस्तान के जो कबायली लोग थे, जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर मिलता था वहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हो रही थी इस वक्त तहरीक तालिबान जो है बदला लेने के लिए, मुसलमानों का बदला लेने के लिए, कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये कोई मुस्लिम हुकूमत नहीं है, ना ही है। जो अफगान में आर्मी है, जो अफगान पुलिस है, इसको मारना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरीके से जो है तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो उभरना चालू हो गई और लोगों को वो इस बात की दावत देती, इस बात को वो बढ़ा चढ़ा कर बोलती कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मुसलमान ही को मार रही है, तो ये कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है, इसको मारना, इसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये इस बात को लेके जो कबाई इलाके हैं, जो लोग हैं, उनको जो है वो उनके दिमाग में ये बात डालती। तो धीरे धीरे दर जोग लोग इनकी जो TTP जो तंजीम थी इसमें शमूलियत इख्तियार करने लग गए। तो दोस्तों ये 2006-7-8 में ये इतनी मज़बूत तंजीम हो गई थी कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में जो है इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, कानूनी शरीयत लगा दी थी, तो जो कि कानून पाकिस्तान का हटा दिया था। तो इस तरीके से तो इसकी जो शुरुआत जो हुई, जो इनका जो उभरना चालू हुआ, तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी नाकामी, उसकी नाअहली की वजह से हुआ। क्योंकि ये में आने का अमेरिका के ड्रोन जो है उन कबाइली इलाकों के घरों पर गिरते थे, उनके मासूम बच्चे बूढ़े माँ बाप मारे जाते थे। तो इसका बदला लेने के लिए कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है। जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया है, वो कभी एक ही रुख को दिखाता है, एक ही साइड को दिखाता है। तो फिर तो ये सब बातें थी, लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो गलत थे, जो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। लेकिन अगर आप उनका साइड देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि ये जो एक TTP जो वजूद में आई, इसका जो वजूद में आई इसकी भी एक मजबूरी थी, क्योंकि उनके नज़दीक उनके भाइयों को मारा जा रहा था जो अफगानिस्तान के थे और मुसलमान थे। तो ये बस यही बात थी कि मुसलमान होने की वजह से वो खड़े हो गए और TTP का वजूद वहीं से आ गया। तो ये एक बड़े, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, ये हैं, हाँ बहुत दहशतगर्द हैं, नहीं हैं, ये अलग बहस है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि इनका वजूद में TTP कैसे आई। बहुत शुक्रिया।